भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि बिना भेदभाव के शासन की योजना गरीब को पहुंचा देना। आज प्रदेश में 45 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के मिला है। आज देश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य इस शासन की स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। 1,63,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। कोविड कालखंड में 15,00,00,000 गरीबों को उत्तर प्रदेश में और 80,00,00,000 गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन देने का काम सरकार कर रही थी। यह संवेदना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। किसी भी लोकप्रिय सरकार को संवेदनशील होना होगा और उस संवेदना का प्रभाव आज किस रूप में है आपने देखा होगा। कोविड कालखंड में उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी तब एक कार्य हो रहा था और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि यह स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। डॉक्टर लालजी प्रसाद बिरवल जी ने उनकी टीम ने इस स्थल पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और आज अंबेडकर महासभा के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से जो कार्यक्रम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर करने जा रही है। जिन कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा को वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने में हमें मदद मिलेगी। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि हमारी ही सरकार ने प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को हरेक सरकारी कार्यालय में लगाने का काम किया है और ये हमारे लिए ही गौरव की बात है कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर उन वंचित तबके के लोगों को भी जिन्हें आजादी के बाद कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, बनटांगिया, थारू, मुसहर, कोल, सहरिया और तमाम अन्य जातियां जो हमेशा कहीं न किन्हीं कारणों से वंचित रह जाती थी शासन की योजनाओं से, जिनके लिए दूर की पौड़ी बन गई थी, उन तक आवास की योजना और शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र और राज्य सरकार वर्तमान में कर रही है और इसीलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार हर दबे कुचले और उस तबके के साथ में जो कभी शोषण का शिकार रहा है, अन्याय का शिकार रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं तो आज भी वह प्रासंगिकता बनी हुई है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी के बाद संविधान सौंपते समय इस बात का उद्घोष किया था कि संविधान की मूल आत्मा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता में है और इन सभी मूल्यों के लिए आज भी हम सब पूरी प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस अवसर पर फिर से नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।